अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रूम टेलीग्राफी। तो गाइस, इससे पहले अभी तक हम जो स्टोरीज रहती थी उनको समझते थे, उसको समझते थे और उसके क्वेश्चन आंसर्स करते थे। लेकिन अब जो है जो हमारा बुक है उसका दूसरा पार्ट एक्चुअली शुरू हो गया है, जो कि है वज़्न। हिस्सा वन जो था हमारा वो नसर था, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुकी हूँ फर्स्ट चैप्टर में कि नस्र क्या होता है और नज्म क्या होता है। नस्र तो हिस्सा नस्र हमारा अब ख़त्म हो चुका है। इस इन सब के मैं सॉल्यूशंस पूरे अपलोड कर चुकी हूँ और इस चैप्टर्स को मैं समझा भी चुकी हूँ। तो अब जो हम चैप्टर हमारा जो हिस्सा दोम यानी कि जो दूसरा हिस्सा है हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हिस्सा है नज्म। जो इससे पहले हमने किया था वो हिस्सा नस्र था। नस्र क्या होता है? जिसके अंदर की जो बात कही जा रही है वो मतलब नॉर्मल तरीके से लिखी हुई हो। जैसे कि नज्म होती है शेर, शेर की लैंग्वेज में लिखे रहते हैं, शेर लिखे रहते हैं कि उनको अपन को समझना पड़ता है। लेकिन जो स्टोरी रहती है जिसके अंदर की नॉर्मल सीधी तरह से अपनी बात लिखी हुई होती है वो नस्र होती है। तो जो जैसे कि अफसाना है, अफसाना क्या होता है? जिसमें किसी इंसान की ज़िंदगी के बारे में बयान किया गया हो या कोई वाक़यात हो उनको बताया गया हो, ये छोटे होते हैं तो वो अफसाना है। जैसे कि हमने पढ़ा था भोला, भोले में एक बच्चे के बारे में बताया गया था, तो ये वो क्या था? एक अफसाना था, ठीक है। इसी तरह बाकी खदर का बना छोटे खत की लड़की, वो भी एक अफसाना। फिर तंजो मिर्ज़ा खाला ने खत लिखवाया, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि किस तरह जो खाला थी वो अपनी बहू पर तंज करती थी। मज़ाया एक चैप्टर था वो, जिसको पढ़ के बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छी स्टोरी थी कि किस तरह से उनकी वो ताने कसती थी और किस तरह से एक नोकझोंक मीठी सी जो एक सास बहू की होती है वो बताया गया था। उसके बाद था सवाने सर सैयद का बचपन के बारे में बताया गया था, जो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाल ही ने लिखा था। सवाने में भी उनके बारे में बताया गया था, सर सैयद के बचपन के बारे में, कि उनका बचपन कैसे बीता था, वो बचपन में कैसे थे, उनके घर का माहौल कैसा था, तो इस तरह के बारे में सब बताया गया था। फिर सफ़रनामा, अब सफ़रनामा क्या होता है? सवाने क्या होती है? किसी इंसान की ज़िंदगी के बारे में बताना सवाने होती है, ठीक है। तो उसमें सर सैयद का बचपन बताया गया है। तो इसके बाद जो है सफ़रनामा, सफ़रनामा क्या होता है? जब कोई इंसान सफ़र करता है किसी किसी भी शहर का, किसी भी जगह का, तो उस पर अपने जो एक्सपीरियंस शेयर करता है, जो वो नोट लिखता है, उसको हम सफ़रनामा कहते हैं। यानी कि अगर जैसे कि ये थी करतुल ऐन हैदर, ये कहाँ गई थी? जापान गई थी। तो इन्होंने वहाँ से आकर एक सफ़रनामा लिखा था, मतलब कि उन्होंने जापान का जो उनका एक्सपीरियंस था जाने का, आने का, वहाँ के लोगों का कुछ उन्होंने देखा, वहाँ के लोगों से बात करने का, वहाँ का खाना पीना रहन सहन देखा, तो उन सब पर उन्होंने एक ये चैप्टर लिखा था जापान। तो उन्होंने उसमें सबने उसमें अपना एक एक्सपीरियंस जाहिर किया था सफ़र का, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? सफ़रनामा। जिससे कोई इंसान कहीं जा रहा है और उसके बारे और जहाँ पे वो गया है वहाँ से आकर उसने जिस उस जगह के बारे में जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, लिखेगा, वो क्या होगा? आपका सफ़रनामा, ठीक है। उसके बाद तर्जुमा, चोर उसका कुफारा, ये एक इंग्लिश की एक ये सैयद आबिद हुसैन ने ट्रांसलेट किया है इस चैप्टर को, चोरी और उसका कुफारा, जो गांधी जी की किसी बुक का ट्रांसलेशन है ये। फिर है मज़मून, मज़मून क्या होता है? एक टॉपिक के ऊपर किसी एक टॉपिक के ऊपर लिखना या बोलना। ये था आपका गुफ्तगू के आदाब, यानी कि इसमें गुफ्तगू के आदाब इस टॉपिक को लेकर पूरा इस चैप्टर में बताया गया था कि एक इंसान का एक इंसान के बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए, उसका लहजा कैसा होना चाहिए, किस से हमें कैसी बातें करनी चाहिए, छोटे बच्चों से हमें किस तरह से बातें करना चाहिए, एक इंसान का अच्छा उन गुफ्तगू होती है बातचीत, तो उसमें पूरा बातचीत का तरीका बताया गया है। और पूरी कहानी पूरी जो आपका मजमून था उसमें इसी के बारे में बताया। जिस तरह हम मजमून याद करते हैं, मजमून क्या होता है? एक तरह से ऐसे होता है, इंग्लिश में आप अगर लिखते होंगे ऐसे, तो ऐसे को आप जानते हैं कि ऐसे कैसे होता है, तो ऐसे मतलब किस जैसे कि इंग्लिश में आपको इंग्लिश में इस मजमून को हम ऐसे कहते हैं, तो आप अच्छे समझ गए होंगे कि ऐसे मीन्स मजमून। तो ये चीज़ क्या होती है? जिस तरह हम साइंस पे लिखते हैं तो उसमें हम साइंस के बारे में बताते हैं, वंडर ऑफ साइंस, ज़्यादातर सभी लोग इस पर ज़रूर ऐसे याद करते हैं, स्पेशली 10th में।
तो उसमें हम अगर साइंस कैसे याद करें तो हम साइंस के बारे में पूरा बताते हैं कि साइंस के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, कौन कौन सी इजादात हैं उसकी, इन सब के बारे में बताते हैं। इसी तरह ये जो मजमून है गुफ्तगू के आदाब, कि गुफ्तगू यानी कि बातचीत के क्या आदब बताए गए हैं, किस तरह से हमें बात करना चाहिए, तो ये क्या हो जाता है मजमून। फिर मावन मुताला यानी कि हमारा जो आसपास का माहौल है, मावन मुताला मीन्स हम जहाँ रह रहे हैं उसके बारे में मुताला करना कि वो क्या है। फॉर एग्जांपल जैसे कि माहौल बचाइए, हमारे आसपास का माहौल के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में ये बताया गया है। माहौल बचाइए मतलब हमारे इन्वायरमेंट को हमें किस तरह से बचाना चाहिए, इसमें जो भी प्रदूषण हो रहा है, जैसे कि हम पढ़ते होंगे साइंस में पढ़ते ही हैं हम, ये चैप्टर्स भी हैं, तो हमें किस तरह से इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आवरण जो है, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट जो है वो किस तरह से क्लीन रहे, साफ रहे, और अगर वो ख़राब होता है तो हमें किस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है, हमें किस तरह से बीमारियां हो सकती हैं, और वो किस तरह से इंसानी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह। तो ये सब कुछ हम समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं और इसके सॉल्यूशंस भी कर चुके हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं हिस्सा है नज़्म, यानी कि ये नज़्म क्या है। अभी तक तो ये सब नसर तरीके से लिखा हुआ था, आप समझ गए होंगे कि नसर क्या है। अब जो नज़्म हम पढ़ने जा रहे हैं, नज़्म होता है जिसमें कि शेर में बात लिखी गई हो, शेर में जिस तरह से लिखा रहता है हमें उसको समझना रहता है कि उस शेर में क्या बात कही जा रही है, क्या नहीं कही जा रही है, तो ये वो रहता है उसमें। अब ये तरी इस नज़म के वो है उसमें की गज़ल होती है, उसमें नज़्म होती है, मसनवी और दोहे। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि गज़ल, तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा पहला गज़ल। तो ये वाला जो चैप्टर था यही मैं कर चुकी हूँ, उर्दू शायरी का आगाज़ और इर्तिका, तो ये हम कर चुके हैं। इसके बाद जैसे कि ये है गज़ल, तो मैं आपको अब गज़ल बताऊंगी कि गज़ल क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद जो फ़ानी बदायूनी उन्होंने गज़ल लिखी, दुनिया मेरी बला जाने महंगी है या सस्ती, इसको मैं बताऊंगी, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी और इसके तशरीह क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गज़ल, इसको हम समझ लेते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो गाइस प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो अच्छी लगे आपके काम आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम चलिए समझ लेते हैं गज़ल क्या चीज़ है, ठीक है। गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लफ़्ज़ी मायने, जिसका कि मायना क्या है, महबूब से गुफ्तगू करना या औरतों से बातें करना, ठीक है। गज़ल क्या है, कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है, गज़ल एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायना होते हैं महबूब से बातें करना, औरतों से बातें करना। उर्दू में गज़ल की सन फारसी से आई है, गज़ल में अमूमन इश्कियाँ बातें बयान की जाती थी, लेकिन अब गज़ल में अब उर्दू में गज़ल के मौजूआत का दायरा नहायत वसी हो गया है, मतलब बढ़ गया है, अब इसका जो दायरा है वो बढ़ा दिया गया है, बल अब इसमें हर किस्म के मौजूआत बयान किए जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप गज़ल के अंदर, पहले ऐसा होता था कि जो गज़ल के शेर होते थे वो ऐसे होते थे जिसमें महबूब से बातें करना, गुफ्तगू की जा रही हो, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ गया है, इसके अंदर आप अब हर किस्म की बातें बयान कर सकते हैं। जैसे कि ये जो हमारा फ़ानी बदायूनी उन्होंने लिखे गज़ल, दुनिया मेरी बला जाने महंगी, जैसे तो ये आप समझ गए होंगे कि एक दुनिया के ऊपर इन्होंने ये गज़ल लिखी है, दुनिया क्या है उनकी नज़र में, वो दुनिया को किस तरीके से देखते हैं, तो उन्होंने जो गज़ल लिखी है वो दुनिया के बारे में लिखी, ठीक है। तो यही वजह है कि गज़ल आज भी उर्दू की सबसे ज़्यादा मकबूल सनफ़ सखन है, सबसे ज्यादा मकबूल क्या है, गजल है। हर शेर अपने मफहूम के एतबार से मुकम्मल होता है, गज़ल का हर शेर मतलब गज़ल में जो शेर होते हैं वो जो शायर हैं जो भी बात कहना चाह रहे हैं वो उनकी जो बात कहना चाह रहे हैं वो उनके हिसाब से इसमें इन दो लाइनों में उन्होंने बता दिया गया होगा। तो इसलिए कहा गया है कि जो गज़ल का हर शेर अपने मफहूम मतलब के एतबार से मुकम्मल होता है, आधा अधूरा नहीं होता, जिस तरह गज़ल में मजामिन की कैद नहीं है। मजामिन मतलब कौन सा ही मजमून हो सकता है, कौन सा भी टॉपिक हो सकता है जिस पर आप गज़ल लिख रहे हो, उसी तरह अशार की तादाद मुकर्रर नहीं है, आप कितने भी शेर लिख सकते हो। गज़ल में कम से कम 5 अशार होना लाजमी है, यानी गज़ल जो होती है उसमें कम से कम 5 अशआर लिखे होने चाहिए, ठीक है। फिर अब हैत के एतबार से गज़ल का पहला शेर अब बताएंगे। देखिए जो गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हूँ मतला कहलाता है, हम काफिया मतलब मिलते हुए हूँ। जैसे कि इसका पहला शेर हम देख रहे हैं कि ये सस्ती है क्या हस्ती, अब ये जो सस्ती है और ये हस्ती मिल रहे हैं,
लास्ट जो उनकी बात है एक उस पर खत्म हो रही, सस्ती और यह हस्ती कैसे मिलते जुलते हैं ना, तो गजल का जो पहला शेर जिसके दोनों हिस्से हम काफी हैं उनके कहलाते हैं मतला। तो वो जो है वो क्या है, मतला है। मतला के बाद अगर दूसरा शेर भी हम रदीफ और हम काफी हो तो उसे हसन मतला या जेब मतला कहते हैं। गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे हम मक्ता कहते हैं। अब देखिए गजल का आखिरी शेर जो शेर होता है उसमें गजल में देखिए इसमें फानी बदायूं उन्होंने अपना यहाँ पे तखल्लुस इस्तेमाल किया है, फानी जिसमें आंसू क्या, तो इसमें उन्होंने अपना नाम दिया है फानी। तो ऐसा शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस यानी कि अपना नाम इस्तेमाल करता है उसे हम क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। वो गजल का सबसे अच्छा शेर जो होता है उसको शाहबैत या बैतुल गजल कहते हैं। तो वली मीर मोमिन गालिब आतिश हसरत जिगर वगैरह का शुमार उर्दू के नुमाइंदा गजल गो शोरा में किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो गजल है अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एक्सप्लेनेशन को जो गजल है हमारी फानी बदायूनी ने जो लिखी है इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, आप अच्छे से समझ लेंगे तो कोई सा भी शेर आ जाएगा आप इजीली इसको लिख सकेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो अच्छी लगे समझ में आए तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।